एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सीरीज, जिसमें प्रीवियस टेट के एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो साथ में जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। तो ये वीडियो आपकी अपकमिंग टेट एग्जामिनेशन के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। सो फर्स्ट जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं जून 2021 में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं वो आज की वीडियो में पार्ट वन जो है उसका डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निकोटिन इज सिंथेसाइज्ड इन, जो निकोटिन है इसकी सिंथेसिस जो है वो कौन से पार्ट में होगी। सो फर्स्ट ऑप्शन इज रूट्स, लीव्स, थर्ड है फ्लावर्स एंड लास्ट ऑप्शन इज फ्रूट्स। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज रूट्स, कि निकोटिन की सिंथेसिस कहां पे होगी, रूट्स में होगी। और प्लांट कौन सा है, तो निकोटियाना प्लांट, जीनस इज निकोटियाना, जिसकी दो अलग अलग स्पीशीज हैं जहां से निकोटिन जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। और इसके साथ साथ में सिंथेसिस तो रूट्स में होती है बट इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ड्राइड लीव्स, तो ये लीव्स से जो है वो ड्राइव किया जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि जो एंटी टोबैको डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो एंटी टोबैको डे इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 31 मई। एंटी टोबैको डे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, ग्लूकोज से अल्कोहल बनने की जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। सो ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन इज फर्मेंटेशन, सेकंड इज रेस्पिरेशन, थर्ड ऑप्शन है डाइजेशन एंड लास्ट ऑप्शन इज फोटोसिंथेसिस। सो राइट आंसर यहां पे रहेगा दैट इज फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन है ये प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करना। और कौन सी फॉर्म रहेगी अल्कोहल की, तो यहाँ पे इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है मेनली। एंड फर्मेंटेशन इट इज एन एरियोबिक प्रोसेस एंड ऑल्सो नोन एज एन एरियोबिक रेस्पिरेशन इसे कहेंगे। और साथ में इथेनॉल की फॉर्मेशन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी यहाँ पे। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका ये रिलीज होगी एन एरियोबिक रेस्पिरेशन में, जिसमें कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और इथेनॉल की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉडी ऑफ टैपवर्म इज सेड टू बी, जो टैपवर्म है इसकी बॉडी किस तरह की है। फर्स्ट ऑप्शन इज अनसेगमेंटेड या फिर स्वीडो सेगमेंटेड है, थर्ड ऑप्शन है मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज कि जो टैपवर्म की बॉडी है ये स्वीडो सेगमेंटेड है, स्वीडो सेगमेंटेड बॉडी रहेगी यानी कि फॉल्स सेगमेंटेशन यहाँ पे रहता है। अब एक टर्म दी गई है मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामेरिकल सेगमेंटेशन क्या होता है, जिसमें कि ट्रू सेगमेंटेशन होगा, बॉडी जो है इंटरनली और एक्सटर्नली जो है वो टोटली डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ये एनालिडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जो फाइलम है फर्स्ट टाइम सेगमेंटेशन किसमें नोटिस किया गया है, तो एनालिड्स में, जैसे कि एग्जांपल हो गया अर्थवर्म। सो टैपवर्म की अगर बॉडी की हम बात करें तो ये तीन रीजन्स में डिवाइडेड है। हियर यू कैन सी दिस एंटीरियर रीजन इज कॉल्ड स्कॉलेक्स, देन नेक, और थर्ड रीजन है ये जो रीजन रहेगा दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉबिला। जो स्ट्रॉबिला रीजन है, अब इसमें जो स्ट्रॉबिला रहेगा वो प्रोग्लॉटिड से मिलकर बना है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स हैं, देन ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स हैं, यंग प्रोग्लॉटिड्स रहेंगे। तो ये सेगमेंट्स के लिए जो है वो टर्म यूज की जाती है प्रोग्लॉटिड्स। तो कितने रीजन्स में डिवाइडेड है टैपवर्म की बॉडी, थ्री रीजन्स में। कौन कौन से रीजन हो गए, तो स्कॉलेक्स, नेक एंड स्ट्रॉबिला में ये डिवाइडेड है। टैपवर्म इट इज ऑल्सो नोन एज पॉक वर्म एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज टीनिया सोलियम, साइंटिफिक नेम है इसका टीनिया सोलियम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय, जो रेस्पिरेशन है रेस्पिरेटरी सेंटर कहां पे लोकेटेड है। ऑप्शन है सेरिब्रम, सेकेंड ऑप्शन इज सेरिबेलम, देन नेक्स्ट इज हाइपोथैलेमस एंड लास्ट ऑप्शन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ये लोकेटेड है
मेडुला ओब्लोंगेटा में, जो मेडुला ओब्लोंगेटा है ये जो रीजन रहेगा ये इनवॉलेंट्री एक्शंस जितने भी होते हैं उनका जो सेंटर रहेगा. फॉर एग्जांपल हम बात करें कि कार्डियक सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है तब भी आंसर होगा मेडुला ओब्लोंगेटा. इसके अलावा जैसे वॉमिट सेंटर है, इनवॉलेंट्री एक्शंस हो गए तो इसका भी सेंटर क्या रहेगा, मेडुला ओब्लोंगेटा है. अब मेडुला ओब्लोंगेटा जो है ब्रेन के कौन से रीजन में लोकेटेड है, तो ये पार्ट है हाइंड ब्रेन का. बिकॉज ब्रेन थ्री रीजन्स में डिफ्रेंशिएटेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्रोसेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन हो गया मीजेनसेफेलॉन एंड हाइंड ब्रेन रोम्बिन सेफेलॉन. तो हाइंड ब्रेन का पार्ट है मेडुला ओब्लोंगेटा. हेयर यू कैन सी दिस इज मेडुला ओब्लोंगेटा और यहाँ पे सेरिबेलम लोकेटेड है. अब देखिए जो सेरिबेलम है इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिबेलम. सो जो फर्स्ट लार्जेस्ट रहेगा तो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का सेरिब्रम. It is the largest part of the brain. नेक्स्ट है जैसे कि हम रेस्पिरेटरी सेंटर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि जो न्यूमोटैक्सिक रेस्पिरेटरी सेंटर है वो कहाँ पे लोकेटेड है. सो इट इज लोकेटेड इन पॉन्स. जो पॉन्स वेरोलाई है यहाँ पे लोकेटेड है न्यूमोटैक्सिक रेस्पिरेटरी सेंटर. रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करना, रेस्पिरेटरी सेंटर. तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, आपने ध्यान रखना है कि अगर तो सिंपली रेस्पिरेटरी सेंटर या फिर कीमो सेंसिटिव रेस्पिरेटरी सेंटर पूछा जाए तब आंसर मेडुला ओब्लोंगेटा होगा. अगर वहाँ पे न्यूमोटॉक्सिक रेस्पिरेटरी सेंटर पूछा जाए तब आंसर जो है वो पॉन्स वेरोलाई होगा. और ये भी जो है वो हाइंड ब्रेन का ही पार्ट है. जो पॉन्स वेरोलाई है इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन हाइंड ब्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑड वन. इज जो गिवन ऑप्शंस है इनमें से ऑड वन जो है वो सिलेक्ट करना है. फर्स्ट ऑप्शन इज सी एनिमोन, सेकेंड इज सी पेन, देन सी क्यूकुम्बर एंड लास्ट ऑप्शन इज सी फैन. तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, दैट इज सी कुकुम्बर. जो सी कुकुम्बर है ये बिलोंग करता है फाइलम एकाइनोडर्मेटा को. इट बिलोंग्स टू फाइलम एकाइनोडर्मेटा. और जो रिमेनिंग ऑप्शन हैं ये हैं सिलेंट्रेट्स. जैसे कि सी एनिमोन यहाँ पे दिया गया है, सी पेन है, सी फैन है, तो ये तीनों जो है वो सिलेंट्रेट्स हैं. सिलेंट्रेटा फाइलम को ये बिलोंग करते हैं. अब देखिए जो एकाइनोडर्म्स हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अगर हम एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करें तो स्पाइनी जो है वो अपीयरेंस इनकी रहेगी. एकाइनोडर्म्स की कैसी अपीयरेंस है, तो स्पाइनी अपीयरेंस होगी. सिलेंट्रेट्स का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाता है कि इनमें निमेटोसाइट्स प्रेजेंट हैं. निमेटोसिस्ट जो है वो प्रेजेंट होंगे. और जो सिलेंट्रेटा फाइलम है इट इज ऑल्सो नोन एज निडेरिया, तो निडोब्लास्ट भी बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज नीडो निडोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं. अब ये जो सेल्स हैं ये स्टिंगिंग सेल्स हैं, स्टिंगिंग सेल्स हैं. कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिलेंट्रेटा फाइलम का. और इनका फंक्शन क्या है, तो जैसे कि प्रे कैप्चरिंग हो गया, डिफेंस हो गया, अटैचमेंट हो गया, तो इस तरह का फंक्शन जो है वो स्टिंगिंग सेल्स परफॉर्म करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहेगा ये सिलेंट्रेट्स का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेस ब्रीदिंग बिकम्स. जब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी तो ब्रीदिंग पे क्या इफेक्ट होगा, देन ब्रीदिंग ऑल्सो इंक्रीजेस. तो उस केस में क्या होगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो इंक्रीज करेगा. ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज स्लो एंड डीप, जो ब्रीदिंग है वो स्लो हो जाएगी और डीप होगी. सेकेंड ऑप्शन इज फास्टर एंड डीप, थर्ड इज शैलो एंड स्लो, एंड लास्ट ऑप्शन है नो इफेक्ट ऑन ब्रीदिंग, की ब्रीदिंग पे कोई भी इफेक्ट इसका नहीं रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने का. तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा इट बिकम्स फास्टर एंड डीप. ठीक है, क्या हो जाएगा, ये फास्टर और डीप होगी. और ऐसा क्यों होगा, तो ब्रीदिंग का रेट इंक्रीज होने का मतलब है कि जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सहेल करना, टू एक्सहेल एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड and inhale more oxygen. और ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करना. अब देखिए जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट रहेगा वो है
हेमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है. अब हेमोग्लोबिन की जो मैक्सिमम बाइंडिंग एफिनिटी होती है वो किसके साथ शो करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड देन ऑक्सीजन के साथ जो है वो बाइंडिंग एफिनिटी रहेगी हेमोग्लोबिन की, जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिंजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो जिंजर है ये किसका एग्जाम्पल है, गिवन ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज राइजोम, सेकेंड इज बल्ब कॉम, या फिर ये एक ट्यूबर है. तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा दैट इज राइजोम. जो जिंजर है ये क्या है, राइजोम का एग्जाम्पल है. और इसके साथ साथ में राइजोम के जो अदर एग्जाम्पल्स रहते हैं दैट इज टर्मेरिक. ठीक है, अब राइजोम भी अगर पूछा जाए तो ये क्या है, तो ये स्टेम है. ठीक है, किसकी मॉडिफिकेशन है, दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की मॉडिफिकेशन है. यहाँ पे आप राइजोम देख सकते हैं डायग्राम में, जिसमें कि इंटरनोड जो है वो प्रेजेंट है, स्केल लीव्स हैं, बर्ड्स हैं, नोड्स हैं, और इसके साथ साथ में एडवांटेजियस रूट्स हैं. तो ये एग्जांपल्स रहेंगे राइजोम के. टर्मरिक अगर पूछा जाए तब भी जो है वो राइजोम ही रहेगा. अब नेक्स्ट जो है ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि बल्ब है, कॉम है, ट्यूबर है. तो इनके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, देखिए ट्यूबर जो है वो रूट ट्यूबर भी हो सकता है, स्टेम ट्यूबर भी हो सकता है. अगर हम स्टेम ट्यूबर की बात करें तो स्टेम ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो, और अगर रूट ट्यूबर की बात करें, रूट ट्यूबर देन एग्जाम्पल रहेगा आपके पास स्वीट पोटैटो. तो स्वीट पोटैटो एक रूट है, जबकि पोटैटो जो है एक मॉडिफाइड स्टेम है, बिकॉज इसमें भी जो है वो बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करती हैं. कॉम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोलोकेशिया, कोलोकेशिया एलोकेशिया हो गया. और बल्ब के एग्जाम्पल है अनियन, जो अनियन है ये किसका एग्जाम्पल है, बल्ब का एग्जाम्पल है, गार्लिक हो गया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन लीफलेट्स आर, यहां पे आर होगा, व्हेन लीफलेट्स आर जॉइंट टुगेदर एट अ कॉमन पॉइंट एट द पिटियोल, कहां पे जॉइंट है लीफलेट्स, तो लीफलेट्स जो है जब पिटियोल पे जॉइंट है तो इस तरह के लीफ को हम क्या कहेंगे. फर्स्ट ऑप्शन है सिंपल लीफ, सेकंड इज पिनेट कंपाउंड लीफ या फिर पामेट कंपाउंड लीफ, एंड लास्ट ऑप्शन है कि ये एक ब्रांच है. सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज पामेट कंपाउंड लीफ. ये पामेटली कंपाउंड लीफ है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं इस तरह का जो लीफ है ये है पामेटली कंपाउंड लीफ, जिसमें लीफलेट्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो ये टिप ऑफ द पिटियोल पे जो है वो अटैच्ड हैं. अब इसमें आप क्या देंगे कि कई बार क्वेश्चन इस तरह से होता है कि इस तरह का लीफ बताइए जिसमें रैकिस जो है वो एबसेंट है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रैकिस इज ऑल्सो एबसेंट इन पामेटली कंपाउंड लीफ. और अगर पिनेटली कंपाउंड लीफ की बात की जाए तो उसमें जो है कुछ इस तरह से लीफलेट्स अरेंज्ड होते हैं, एंड दिस इज रैकिस. सो एक ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पे पिनेट कंपाउंड लीफ, तो ये आपका पिनेट कंपाउंड लीफ है. जैसे कि एग्जांपल्स की बात करें पिनेट कंपाउंड लीफ में, तो नीम है, करी पत्ता है, तो ये एग्जांपल्स हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ के, जिसमें रैकिस पे जो है वो लीफलेट्स अरेंज्ड हैं और यहाँ पे पिटियोल पे अरेंज्ड हैं. और इस तरह के लीफ का एग्जांपल क्या आ जाएगा, हेम्प, ऑक्सैलिस, मार्सीलिया एटसेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राई कार्पिलरी सिनकार्पस कंडीशन इज फाउंड इन, जो ट्राई कार्पिलरी सिनकार्पस कंडीशन है ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो कि गिवन ऑप्शंस दिए गए हैं. इनमें से फर्स्ट ऑप्शन इज लिलिएसी फैमिली, सेकंड इज पोएसी फैमिली, देन सोलिनेसी फैमिली, एंड लास्ट ऑप्शन इज फैबेसी फैमिली. सो करेक्ट ऑप्शन इज लिलिएसी फैमिली. अब देखिए ट्राई कार्पिलरी कंडीशन क्या है, तो ट्राई कार्पिलरी यानी कि जिसमें तीन कार्पल्स होंगे, और ये तीन कार्पल्स कैसे हैं, सिन कार्पल्स मीन्स ये फ्यूज्ड हैं, तो ये फ्यूज्ड कंडीशन को बता रहा है. थ्री कार्पल्स और कैसे हैं, ये फ्यूज्ड कंडीशन है. जैसे कि इस तरह से मान लीजिए कार्पल्स हैं और ये फ्यूज्ड होंगे तो सिन कार्पल्स कंडीशन कहलाएगी. कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सी फैमिली का है ये, तो लिलिएसी फैमिली का है, यानी कि लिली फैमिली का है. नेक्स्ट ऑप्शन है पोएसी फैमिली. जो पोएसी फैमिली है इट इज ग्रास फैमिली, कॉमनली नोन एज ग्रास फैमिली. नेक्स्ट ऑप्शन है सोलिनेसी फैमिली, कॉमन नेम इज
पोटेटो फैमिली. नेक्स्ट इज फैबेसी फैमिली, इट इज कॉमनली नोन एज पी फैमिली, या फिर इसे कहेंगे लेग्यूम फैमिली, पी फैमिली और लेग्यूम फैमिली. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्पस ल्यूटियम, इट इज इट प्रोड्यूसेस. सो कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करता है, कौन सा हार्मोन? फर्स्ट ऑप्शन है एस्ट्राडियोल, सेकंड इज टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन या फिर नन ऑफ द अबव. सो राइट आंसर रहेगा दैट इज प्रोजेस्टेरोन. कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? प्रोजेस्टेरोन, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन बिकॉज इट मेंटेन्स प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और ये है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, अब ये प्रोड्यूस करने वाली सेल्स कौन सी हैं? तो लेडिंग सेल्स ये प्रोड्यूस करती हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, एंड इट इज मेल सेक्स हार्मोन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम टर्नर्स सिंड्रोम इज. जो टर्नर सिंड्रोम वाला जो पर्सन होगा उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 44 या फिर 45, देन 46 या फिर 47. सो द करेक्ट आंसर इज 45 क्रोमोसोम्स यहाँ पे रहेंगे. अब देखिए टर्नर्स सिंड्रोम में क्या है, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में. अब यहाँ पे जो कंडीशन है ये रहेगी 44 प्लस एक्स नॉट, ठीक है, यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट है. सो दिस एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग. और क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया फिर? तो 45 जो है वो क्रोमोसोम्स होंगे. इसके अलावा जो पर्सन है वो है फीमेल. टर्नर सिंड्रोम में कौन सफर करता है? तो फीमेल जो है वो सफर करेगी. और इसके अलावा क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कई बार कि डिफरेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए जाते हैं कि टर्नर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो उसमें क्या होगा? रिड्यूस्ड फेमिनाइन कैरेक्टर, जैसे कि रूडिमेंट्री ओवरी होगी, अंडर डेवलप्ड जो है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे. सो रिड्यूस्ड फेमिनाइन कैरेक्टर्स ये है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टर्नर्स सिंड्रोम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थ्री कोडोन्स विच कॉजेज चेन टर्मिनेशन आर. चेन टर्मिनेशन मीन्स कि पॉलीपेप्टाइड जो चेन है उसका टर्मिनेशन करने वाले कोडोन कौन कौन से हैं, यानी कि पूछा गया है कि एंड या फिर स्टॉप कोडोन कौन से हैं, या फिर हम कहें कि टर्मिनेटर कोडोन्स इनमें से कौन से हैं. तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का दैट इज UAG, UGA, UAA. ये तीनों जो हैं वो स्टॉप कोडोन्स हैं या फिर कहें एंड कोडोन्स हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन का टर्मिनेशन करते हैं. सो टोटल कोडोन्स का नंबर कितना है? तो जेनेटिक कोडोन है टोटल 64. अब 64 में से 3 हो गए स्टॉप कोडोन्स और 2 है स्टार्ट कोडोन या फिर हम कहें इनिशिएशन कोडोन, इनिशिएशन कोडोन जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं. सो टू स्टार्ट कोडोन्स कौन कौन से हैं? AUG and GUG, दीज आर स्टार्ट कोडोन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैनालिक्यूली कैन बी सीन इन. जो कैनालिक्यूली है ये किस में प्रेजेंट होगी? फर्स्ट ऑप्शन है बोन, सेकेंड इज कार्टिलेज, देन क्रेनियम, एंड नेक्स्ट इज कार्डियक मसल्स. सो जो कैनालिक्यूली है ये लोकेटेड है बोन्स में. अब देखिए जो बोन्स हैं तो बोन्स में प्रेजेंट होते हैं लैक्यूने. क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? तो लैक्यूने प्रेजेंट होते हैं. अब इन लैक्यूने में ये जो नेटवर्क है कैनाल्स का, इसी कैनाल्स के नेटवर्क को कहेंगे यहाँ पे कैनालिक्यूली, जो कि लैक्यूने के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है. सो दीज आर फाउंड इन बोन्स. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बोन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट ट्रू ऑफ अबाउट सेंट्रियोल. सेंट्रियोल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है 9+2 अरेंजमेंट, सेकेंड इज 9+0 अरेंजमेंट, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट इज नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा द
दैट इज 9+2 अरेंजमेंट, ये सेंट्रियोल्स में प्रेजेंट नहीं है. सेंट्रियोल में कौन सी होती है, तो वो रहेगी 9+0 अरेंजमेंट. सो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 9+2. अब ये किस में प्रेजेंट है, सीलिया एंड फ्लैजिला में. मीन्स यहाँ पे जो 9 माइक्रोटिब्यूल हैं वो पेरिफेरल रीजन में जो है वो प्रेजेंट होंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, 9 माइक्रोटिब्यूल्स अरेंज्ड हैं और सेंटर में 2 प्रेजेंट हैं. तो अरेंजमेंट कौन सी हो गई, 9+2 अरेंजमेंट है. और किस में प्रेजेंट होगी, तो सीलिया और फ्लैजिला में ये प्रेजेंट है. जबकि सेंट्रियोल में आप देख सकते हैं कि सेंटर में कोई भी माइक्रोटिब्यूल यहाँ पे नहीं है. तो मीन्स 9+0 अरेंजमेंट ये किस में आ जाएगी, सेंट्रियोल में रहेगी. और सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन. ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है. इसके अलावा ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रियोल के केस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है. सो इट इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, या फिर हम कहें तो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली है सेंट्रियोल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शुगर फाउंड इन फ्रूट्स हनी एंड नेक्टर इज, इनमें से जो है वो कौन सी शुगर फ्रूट हनी और नेक्टर में प्रेजेंट है. फर्स्ट ऑप्शन है गैलेक्टोज, सेकंड इज ग्लूकोज, देन माल्टोज या फिर फ्रक्टोज. सो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा दैट इज फ्रक्टोज शुगर जो है वो प्रेजेंट रहेगी. अब देखिए जो फ्रक्टोज शुगर है इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रूट शुगर और नेचुरली एग्जिस्टिंग आपकी ये स्वीटेस्ट शुगर है, लेकिन नेचुरल अकरिंग स्वीटेस्ट शुगर रहेगी फ्रक्टोज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, जो आउटर मीडियम है उसमें फर्टिलाइजेशन होगी तो कौन सा ग्रुप है जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रहेगी. ऑप्शंस हैं मैमल्स में, एम्फीबियंस में, नेक्स्ट ऑप्शन इज बर्ड्स एंड नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स. सो राइट आंसर इज एम्फीबियंस. एम्फीबियंस में जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी. इसके साथ साथ में डेवलपमेंट एम्फीबियन में कैसी होगी, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जिसमें कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स जिसमें लार्वल स्टेजेस की फॉर्मेशन होती है, और डायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स जिसमें लार्वल स्टेज नहीं बनेगी, डायरेक्टली जो है वो यंग वंस हैच होते हैं. तो मैमल्स हो गया, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट है, जबकि एम्फीबियन में इनडायरेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल हम फ्रॉग का एग्जाम्पल लें तो फ्रॉग में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है और लार्वा बनता है टेडपोल लार्वा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम पे मियोसिस जो है वो कौन से पार्ट में होगी. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स. फर्स्ट ऑप्शन इज एंडोथीशियम, सेकंड इज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, देन नेक्स्ट है माइक्रोस्पोर्स एंड लास्ट ऑप्शन इज पॉलन ग्रेन्स. सो द करेक्ट आंसर इज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में जो है वो मियोसिस होगी. अब देखिए जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं ये डिप्लॉइड सेल्स हैं. लेट्स से दिस इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, या हम कहें कि पॉलन मदर सेल है ये. अब इसमें मियोसिस होगी, तो मियोसिस कंप्लीट होगी तो कितनी सेल्स की फॉर्मेशन होगी, 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे. ठीक है, कितने माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, जब एक मियोसिस कंप्लीट होती है तो 4 सेल्स की फॉर्मेशन होती है, तो 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे. और ये माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो लेटर ऑन दे फॉर्म पॉलन ग्रेन्स. किसमें कन्वर्ट होंगे, ये पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 256 माइक्रोस्पोर्स विल बी फॉर्म्ड बाई मियोसिस ऑफ, 256 माइक्रोस्पोर, जैसा कि हमने बात की कि एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो कितने माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस कर रही है, तो 4 माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस कर रही है. अब बात की गई है कि जो 256 माइक्रोस्पोर्स हैं तो इन्हें बनने के लिए कितनी जो है वो डिविजन्स होंगी, कितनी सेल्स में होंगी. तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन है 512 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में जो है वो डिवीजन होगा, 128 या फिर 64 या फिर 25. सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज 64 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है इनमें जो है वो मियोसिस होगी. और ये किस तरह से आ जाएगा आपका 256, इसको आप डिवाइड करेंगे इसको जो है आप डिवाइड करेंगे 4 से, तो आपका जो आंसर रहेगा वो आ जाएगा 64. तो इस तरह से राइट आंसर है 64. नेक्स्ट इज माल्टोज इज फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड. जो माल्टोज है ये एक डाइसैकेराइड है, मींस कि दो मोनोमर यूनिट से मिलके बना है, मोनोशुगर से मिलके बना है. तो इसके मोनोमर यूनिट्स कौन से हैं, फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज या फिर फ्रक्टोज गैलेक्टोज. सो राइट आंसर इज
ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इससे जो है वो माल्टोज की फॉर्मेशन होगी. और अगर बात की जाए ग्लूकोज और गैलेक्टोज की, तो फॉर्मेशन होगी लैक्टोज की, ये भी डाइसैकेराइड हो गया. ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, दिस विल फॉर्म सुक्रोज एंड इट इज ऑल्सो अ डाइसैकेराइड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयोडीन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, जो आयोडीन है ये किसका इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट रहेगा. फर्स्ट ऑप्शन इज सॉल्ट, सेकेंड है फूड, थर्ड थायरोक्सिन एंड लास्ट ऑप्शन इज हेमोग्लोबिन. सो द राइट आंसर विल बी थायरोक्सिन. आयोडीन जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है. अब थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं थायरॉइड ग्लैंड्स, कौन सी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करेंगी, थायरॉइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है. और फंक्शन क्या है थायरोक्सिन का, इट रेगुलेट्स बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है थायरोक्सिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विड्थ ऑफ डीएनए इज, डीएनए की विड्थ कितनी होगी, तो 34 ऑंगस्ट्रॉन्ग फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड इज 3.4 ऑंगस्ट्रॉन्ग या फिर 200 ऑंगस्ट्रॉन्ग और लास्ट ऑप्शन है 20 ऑंगस्ट्रॉन्ग. तो राइट आंसर जो रहेगा इस क्वेश्चन का दैट इज 20 ऑंगस्ट्रॉन्ग, ये रहेगी विड्थ या फिर हम कहें तो डायामीटर ऑफ डीएनए, डीएनए का डायामीटर है 20 ऑंगस्ट्रॉन्ग. और इसके साथ आप देख सकते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का एंड दिस स्ट्रक्चर वॉज प्रपोज बाय वॉटसन एंड क्रिक. ये स्ट्रक्चर किसने दिया है, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है. इसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजीनस बेसिस हैं तो दो एडजेसेंट नाइट्रोजीनस बेसिस के बीच में जो गैप रहेगा दैट इज 0.34 नैनोमीटर रहेगा ये. और इसके साथ साथ में जो डायमीटर है वो कितना है तो 20 ऑंगस्ट्रॉन्ग है. और एक सिंगल टर्न जो कंप्लीट होता है वो 34 ऑंगस्ट्रॉन्ग पे जो है वो कंप्लीट होगा. बाकी जो बैकबोन है डीएनए की ये किससे मिलकर बनी है, तो बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ वॉटर फॉर इट्स एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो है वो वाटर की रिक्वायर्ड रहेगी, तो कौन से नाइट्रोजिनस वेस्ट के लिए. फर्स्ट ऑप्शन है यूरिया, सेकेंड इज अमोनिया, थर्ड ऑप्शन इज यूरिक एसिड एंड लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव. सो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा दैट इज अमोनिया. अमोनिया जो है इट इज हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट, हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट है अमोनिया. और अगर पूछा जाए कि लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट कौन सा है, तो लीस्ट टॉक्सिक है यूरिक एसिड और लीस्ट टॉक्सिक जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है दैट इज यूरिक एसिड. और इसके एक्सक्रीशन के लिए सबसे कम जो है वो वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेल्स ऑफ पैनक्रियाज प्रोड्यूसेस इंसुलिन, कौन सी सेल्स जो है वो इंसुलिन की फॉर्मेशन करती हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज बीटा सेल्स, सेकंड है अल्फा सेल्स, लीडिंग सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स. सो लीडिंग सेल्स के बारे में तो अभी हमने पढ़ा था कि ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स भी लीडिंग सेल्स को कहेंगे. तो हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन, इनमें से कौन सा राइट आंसर रहेगा, देन राइट आंसर इज बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये प्रोड्यूस करती हैं इंसुलिन को. और अल्फा सेल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, ये ग्लूकागॉन हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं. और ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट एक्ट करते हैं. सो ग्लूकागॉन इज एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन, इट इज एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन एंड फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज इट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, इट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल. और किस तरह से रेगुलेट करेगा, तो ये एक्सेसिव जो ग्लूकोज प्रेजेंट होगा बॉडी में उसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, जबकि ग्लूकागॉन क्या करेगा, इसके अपोजिट एक्ट करता है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, इसीलिए ग्लूकागॉन इट इज एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑयस्ट्रस साइकिल इज फाउंड इन, जो ऑयस्ट्रस साइकिल है इट इज ऑल्सो नोन एज हीट साइकिल, इट इज ऑल्सो नोन एज हीट साइकिल. और ये किसमें होगी, तो ऑप्शन है काउ, शीप, रैट या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव.
काउ, शिप एंड रैट तीनों में ही जो है वो ऑयस्टर साइकिल यानी कि हीट साइकिल जो है वो प्रेजेंट रहेगी। अब ये जो साइकिल है ये सीजनल ब्रीडर्स में होगी, दीज आर सीजनल ब्रीडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज mRNA इज अ पॉलीमर ऑफ, जो mRNA है मींस मैसेंजर RNA, ये किससे मिलके बना है, तो इसके जो मोनोमर यूनिट्स रहेंगे फर्स्ट ऑप्शन है राइबो न्यूक्लियोसाइड, सेकेंड इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स, नेक्स्ट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स एंड लास्ट ऑप्शन इज राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। सो राइट आंसर इज राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। mRNA का जो मोनोमर यूनिट्स रहेंगे वो है राइबो न्यूक्लियोटाइड। अगर इसी तरह से DNA के मोनोमर यूनिट पूछे जाएं कि DNA इज अ पॉलीमर ऑफ, तो क्या आ जाएगा आंसर, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, तब इसके साथ डीऑक्सी वर्ड ऐड होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्गर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू, जो टर्गर प्रेशर है इट इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू, फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्मोटिक प्रेशर, सेकेंड इज वाटर प्रेशर, नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड लास्ट ऑप्शन इज वॉल प्रेशर। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज वॉल प्रेशर। अब देखिए टर्गर प्रेशर क्या है कि सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो सेल मेम्ब्रेन पे जो है एक प्रेशर क्रिएट करता है, ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है जो कि फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, दिस फ्लूइड एंड दिस इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। अब देखिए इसके इक्वल और अपोजिट जो प्रेशर लग रहा है वो कौन सा है, तो वॉल प्रेशर है, तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा दैट इज वॉल प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट, इनमें से कौन सा जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, फर्स्ट ऑप्शन इज कॉपर, सेकेंड है बोरोन, नेक्स्ट इज जिंक और लास्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम। सो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा दैट इज मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो न्यूट्रिएंट मींस जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में, मैक्रो मतलब जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा। अब यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है इसलिए ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है, और बाकी जो रिमेनिंग थ्री ऑप्शंस हैं ये क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है और ऑल्सो नोन एज ट्रेस एलिमेंट्स। मैग्नीशियम इट इज कोर एलिमेंट इन क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल पिगमेंट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उसमें सेंट्रल एलिमेंट अगर पूछा जाए या सेंटर में जो एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो कौन सा रहेगा, मैग्नीशियम होगा। इसके साथ साथ जो मैग्नीशियम है ये राइबोसोमल यूनिट को कंबाइन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मींस इट हेल्प्स इन राइबोसोमल असेंबली। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइबोसोमल असेंबली में जो है इसका रोल रहेगा। नेक्स्ट इज द रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, जो रेप्लिकेशन होगी सेंट्रियोल की ये कौन से फेज में होती है सेल साइकिल के, फर्स्ट ऑप्शन इज G1 फेज, सेकेंड इज S फेज, नेक्स्ट इज G2 फेज एंड लास्ट इज माइटोटिक फेज। तो रेप्लिकेशन जो है ये होगी आपकी S स्टेज में, तो S स्टेज जो है ये किसका पार्ट है, G1, S एंड G2, ये है इंटरफेज का पार्ट। सेल साइकिल जो है ये दो फेजेस में डिवाइडेड है, इंटरफेज एंड एम फेज। जो इंटरफेज है इसी में जो है वो सब फेजेस आते हैं, G1 फेज यानी कि गैप वन फेज, S फेज सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज यानी कि सेकेंड गैप फेज। सो राइट आंसर यहां पे रहेगा S फेज। इसके साथ साथ S फेज में जो है वो हिस्टोन सिंथेसिस भी होती है, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, प्लस DNA रेप्लिकेशन वो भी इसी फेज में होगा, DNA रेप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज How many cells will be produced if a cell divides mitotically 6 times? अगर 6 बार एक सेल जो है वो डिवाइड करती है तो कितनी सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होंगी, फर्स्ट ऑप्शन है 12, सेकेंड इज 24, 32 एंड लास्ट इज 64। सो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा दैट इज 64 सेल्स की फॉर्मेशन होगी। जैसे कि हम बात करें तो एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, 16, then 32 and 64, तो 6 जो है वो माइटोसिस जब होगी तब इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ डिवीजन पे जो है वो 64 सेल्स की फॉर्मेशन होगी। सो राइट आंसर इज 64 सेल्स बनेंगी।
लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए, दैट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो कौन सा रहेगा, इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, पाइरुविक एसिड या फिर एसिटाइल कोलिन. सो राइट आंसर है इसका दैट इज पाइरुविक एसिड. अब देखिए जो ग्लाइकोलिसिस है इसमें क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज या ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड की फॉर्मेशन होगी. तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, पाइरुविक एसिड बनेगा. अब जो ग्लाइकोलिसिस है ये कब होती है, तो ये होगी आपकी एरियोबिक एज वेल एज एनएरियोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे, तो दोनों ही जो है वो रेस्पिरेशन में रहेगा, ये कॉमन स्टेप है. सो इट इज अ कॉमन स्टेप बिकॉज इट अकर्स बोथ इन एरियोबिक एज वेल एज एनएरियोबिक रेस्पिरेशन में ये रहेगा. इसके साथ साथ में जो ग्लाइकोलिसिस है इसमें जो नेट गेन रहता है एटीपी का वो कितना रहेगा, तो दो एटीपी बनते हैं और टू एनए डीएच बनेगा. ठीक है, टू एनए डीएच की जो है वो फॉर्मेशन होगी. सो दिस वाज ऑल फॉर दिस फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल.